बात करेंगे विदिशा से, खबर जहां जिले के सिरोंज विधानसभा के खेरखेरी पठार गांव में 7 साल का मासूम बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिरा हुआ है। घटना की सूचना जैसे ही मिली कलेक्टर और एएसपी मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बच्चे तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीसीटीवी से भी बच्चे की निगरानी की जा रही है। फिलहाल मासूम लोकेश अहरवार को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। वहीं बोरवेल 60 फीट गहरा है, ये भी आपको बता दें कि 45 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू टीम कभी भी बच्चे तक पहुंचेगी, ये भी आपको बता दें कि सुबह 10 बजे की घटना एक कल मंगलवार की है, जब बालक लोकेश अहरवार अपनी दादी के साथ खेत पर खेल रहा था, तभी बंदरों का पीछा करते हुए वो बोरवेल में गिर गया। ये भी बताया गया कि बोरवेल की गहराई 60 फीट है। बच्चे को सुबह 11 बजे से ऑक्सीजन देना शुरू कर दी गई थी। वहीं नाइट विजन कैमरे से बच्चे की मूवमेंट पर लगातार नजर जो है वो बनी हुई है। परिवार भी यही आस लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द जो बच्चा है वो सकुशल बाहर आ जाएगा। कल 10 बजे की घटना है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज गति से चल रहा है। एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कैमरे अंदर लगाए गए हैं और बच्चे की मूवमेंट की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो 7 साल का मासूम बच्चा जिसे बचाने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। हालांकि ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, कुछ खाने पीने की चीजें जो है वो बच्चे तक पहुंचाई जा रही हैं। विदिशा के आनंदपुर में जो बच्चा गिर गया था, वहां लगातार दोनों टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। 51 फुट की खुदाई का काम पूरा हो गया है। टनल बनना है अभी, जिसको एसडीआरएफ की टीम बना रही है। 5 फुट कुछ की टनल बनना है, 3 फुट कुछ खुदाई हो गई है। लगभग 2 घंटे में मैं समझता हूँ कि टनल का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत कड़ी जगह है, हार्ड स्टट है, तो उसके कारण से खुदाई में दिक्कत आ रही है। पूरी सावधानी के साथ पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद है। तो लोकेश को बचाना है, मुहिम लगातार जारी है, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और हर जगह यही प्रार्थना की जा रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल जो है वो निकाल लिया जाए। बड़ी लापरवाही तो आखिरकार हो ही गई है, लेकिन अब बच्चे को निकालने की कोशिश जो है वो लगातार टीम कर रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथ अंकित लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, ग्राउंड जीरो पर आप हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम आपसे ले भी रहे हैं। अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और टनल बनाने की जो कवायद है वो कितनी देर से शुरू होगी? क्योंकि कहा जाता है कि पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद एक टनल बनाई जाएगी और फिर बच्चे तक पहुंचा जाएगा। क्या तैयारियां, अभी का अपडेट क्या है? जी मैम, अभी जो पल पल नजर रखे हुए हैं इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि टनल जो पैनल वाली थी जो खोदी गई थी 45 फीट तक खोद के उसको बंद कर दिया गया है। अब साइड से एक और टनल बनाई जा रही है, उसमें से कुछ लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद लोकेश तक पहुंचेंगे, उसके बाद जानकारी मिलेगी क्या अभी हालात है और लोकेश को सकुशल कैसे बाहर निकाला जा सके। तो बिल्कुल लोकेश को बचाना और मुहिम जारी। वहां पे लोग जो मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, किस तरह से अभी माहौल बन रहा है वहां पर, क्या कुछ कह रहा है टीम, क्या कह रही है, कितनी देर और लगेगी? जी मैम, वहां पर सुनील कलेक्टर साहब से बात हो पाई है, उन्होंने कहा उन्होंने कुछ फोटोग्राफ लिए थे अंदर टनल पे, उसमें देख रहे थे कि अंदर पहुंच गए हैं। अंकित, वो दिखाइए किस तरह से यहाँ पर खुदाई जो है वो चल रही है। हालांकि वहां तो पहुंचने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी दूर से दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से खोदा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह की टीम जो है वो काम कर रही है। जी मैम, आप अभी देख सकते हैं सामने टनल का काम, टनल का काम गड्ढा पूरा खुद चुका है, 50 फुट के लगभग जो गड्ढा खुद चुका है। अब आगे उसके पास में से एक पास में टनल खोदी गई है, उससे एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी, लोकेश तक लोकेश के पास तक पहुंचेगी।
बिल्कुल लोकेश तक जो है वो पहुंचेगी टीम। टनल बनाने का काम जो शुरू हो चुका है, ये पहली घटना नहीं अंकित, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और यही तरीका जो है वो टीम अपनाती है कि दूसरी तरफ जो पैरेलल गड्ढा है वो खोदा जाएगा और उसके बाद टनल के सारे बच्चे तक पहुंचा जाएगा। या कोई और तरीका इस बार हाईटेक अपनाया जा रहा है? नहीं नहीं मैडम, यहाँ तक जानकारी मिली है कि एक कैसिंग पाइप डालेंगे ताकि ऊपर की मिट्टी जो नीचे नहीं आए, फंसे ना, मतलब उसको क्या धसने का डर है, साइड में जो गड्ढा खोदेंगे उसको धसने का डर है, इसलिए एक कैसिंग डाली जाएगी, उसको कैसिंग से एनडीआरएफ की बंदर जाएगी और लोकेशन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। पीछे ग्रामीण है, मैं उनसे बात कर रहा था। तो बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आई कि बच्चे को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है, भीड़ जो है वहां पर ग्रामीणों की इकट्ठे हो चुकी है। यहाँ पर दिन भर से यहाँ पर खड़े हैं लोग, प्रार्थना कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति है, दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, लोकेश के लाने सब दुआएं कर रहे हैं, सब जुटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लापरवाही नहीं, सबसे निवेदन करते हैं, सरकार से करते हैं, जहाँ भी ये गड्ढे खोले सबको ये कानून बनाए और घूमने के लिए व्यवस्था करवाए, सारी जगह बहुत लापरवाही चल रही है, सब दुआएं कर रहे हैं लोग इसके लाने। यहाँ पर जिस तरीके से गड्ढे की लापरवाही हुई है, सभी ग्रामीणों की मांग है इस तरह की लापरवाही आगे ना करते, इस गड्ढे को ना जगह जिससे इस तरीके से परेशानी खड़ी। तो बिल्कुल अंकित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और ग्रामीणों में भी हताशा निराशा फिलहाल है, लेकिन एक उम्मीद जो है वो जगी है कि कहीं ना कहीं बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। INS 24/7 के माध्यम से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो सकुशल बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिये।